एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज मुंडा रिबेलियन और मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट दिस मुंडा रिबेलियन इट वाज अ ट्राइबल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. एज वी नो दैट आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, आफ्टर बैटल ऑफ पलासी इन 1757, सो ब्रिटिशर्स दे स्टार्ट कॉलोनियलिज्म इन इंडिया. दे स्टार्ट टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. जो भी रिसोर्स इंडिया के वहां पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया. सो वी सी दैट द लाइफ of the tribal, it was completely changed with the coming of Britishers, with the coming of the Britishers in India. Because we see that Britishers, they introduced new legislations, laws, which we see that, which curtailed the rights of the tribals, which curtailed the rights of the tribals. They, earlier we see they enjoyed, उनके अपनी traditional rights हुआ करते थे, they move freely, forest में move करते थे, freely, they were wholly and solely depend on forest produce, and they, we can say that, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे वो होली एंड सोली डिपेंड करते थे. दे कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो फिशिंग, वो फिशिंग करते थे वहाँ पे, पोचिंग एंड ऑल्सो हंटिंग, क्लियर, हंट करते थे एंड ऑल्सो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. जो भी इंडिया के ट्राइबल्स थे, इनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स. बिकॉज अर्लियर वी सी दैट द ट्राइबल्स बिफोर ब्रिटिश वो होली एंड सोली किस पे डिपेंड थे, फॉरेस्ट पे. जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किए, फॉरेस्ट लॉज, इनकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ा उन लॉज से, ठीक है ना. सो वी सी दैट जो फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट लॉज लाए यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने 1878 में पहली बार, फर्स्ट फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट हुए, सो फॉरेस्ट लॉज से क्या हुआ, वी सी दैट ब्रिटिशर्स दे बैनड, उन्होंने बैन किया ट्राइबल्स को टू मूव फ्रीली विद इन द फॉरेस्ट, एक बात. दूसरी बात, वी सी दैट दे ऑल्सो बैनड शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे भी बैन हो गई, एंड ऑल्सो वी सी दैट दिस हंटिंग पे भी बैन हो गई, क्लियर, hunting and fishing, clear. So इससे क्या हुआ, so tribals, they were dependent foresters, no, they were forcibly, उनको forcibly and किस forcibly forward, उनको force किया किस purpose के लिए, for they were forcibly incorporated in agriculture sector में इनको अब काम करना पड़ा as a bonded labor, ठीक है ना. So we see that one of the important revolt of the tribals in India was is Munda rebellion, ठीक है ना. So हमारे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे मुंडा रिबेलियन की, मुंडा रिबेलियन ट्राइबल रिवोल्ट है, कहाँ पे हुआ, 1899 में हम देखते हैं एक रिवोल्ट होता है. एंड वी सी दैट द ट्राइबल बेल्ट, द मुंडा रिबेलियन, अगर हम ट्राइबल बेल्ट की बात करेंगे इंडिया में, वी सी दैट द ट्राइबल कंसंट्रेटेड स्टेट्स इन इंडिया इज बिहार, याद रखना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है ना. ट्राइबल बेल्ट, ट्राइबल कंसंट्रेटेड स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है ना. अगर हम बात करेंगे मुंडा रिबेलियन की, वी सी दैट the leader of the revolt of Munda rebellion or revolt is known as, his name was Birsa Munda. Kya tha uska naam? Birsa Munda. So Birsa Munda, leader of Munda rebellion. Theek hai na? Birsa Munda. This Birsa Munda, he was born. Kahan pe paida hua? He was born 15 November 1875 in the tribal belt. In the tribal belt. 15th November 1875 in tribal belt between Bihar and Jharkhand, Jharkhand and Bihar. He was a freedom fighter. He was a tribal leader and a freedom fighter. He was a folk hero. And he was often referred as Dharti Abu. Yaad rakhna. Dharti Abu, and we see that Dharti Abu, the earth's father, and we see that he was a freedom fighter and a tribal leader. He belonged to Munda tribe in Chota Nagpur Palayati. He belonged to Munda tribe of Chota Nagpur Palayati, ठीक है ना. So I already told you that British came India. They introduced new legislations. They start to control. उन्हें control किया किस पे? Forest पे control किया. And we see that जब forest laws यहाँ पे लाए, the Indian forest उनको उस वक्त divided किया into three categories: reserved forests, protected forests, and village forests. अब क्या था? जो tribals आदिवासी forest में रहते थे, उनके लिए problem हुई. ठीक है ना? They were not allowed to move freely within the forest. उनको अब freely move नहीं कर पा रहे थे. Problem थी. ठीक है ना? Because and also we see that British ने क्या किया? बे shifting cultivation also known as jump cultivation. याद रखना, jump cultivation slash or burn agriculture slash or
वर एग्रीकल्चर एंशियंट एंशियंट टाइप ऑफ फार्मिंग एंशियंट फार्मिंग है जम कल्टिवेशन और शिफ्टिंग कल्टिवेशन ए पीस ऑफ ए लैंड ट्रीज जो भी वहां पे थी उनको क्लियर करते थे ठीक है ना फिर उसको बर्न करते थे ठीक है ना ट्रीज को एंड वी सी दैट प्रिपेयर फिर प्रिपेयर करते थे उसको किसके लिए कल्टिवेशन के लिए ठीक है ना एंड वी सी दैट ब्रॉडकास्टिंग फिर सीड्स करते थे क्लियर सो क्यों कर रहे थे बिकॉज ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम क्या थी ट्राइबल्स से प्रॉब्लम ट्राइबल्स से ये थी ब्रिटिशर्स को ट्राइबल्स एक तो ट्राइबल्स बर्निंग दिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे एंड ऑल्सो दे अनदर प्रैक्टिस वो करते थे पैस्टोरलिस्ट्स थे क्या थे रेन का कैटल करते थे ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम थी वो इनसे कलेक्ट टैक्स नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शिफ्टिंग कल्टिवेशन यहाँ से कल्टिवेशन खाते शिफ्टिंग कल्टिवेशन यहाँ पे एक ही जगह नहीं रहते थे मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया ठीक है ना शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वो एक जगह से दूसरी जगह सर्च करते थे मूव करते थे ठीक है ना सो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम थी वो इनसे कलेक्ट नहीं रेवेन्यू कर टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर पा रही थी दूसरी बात जो पैस्टोरलिस्ट थे वी सी दैट जब ब्रिटिशर्स ने जो भी यहाँ पे पास्चर्स थे दे उन्हें कहा दीज पास्चर्स दे आर द वेस्ट लैंड्स एंड दे स्टार्ट उन्हें कन्वर्ट उनको किया एग्रीकल्चर लैंड में ठीक है ना जिससे क्या हुआ यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो गई ठीक है ना ओवर ग्रेजिंग क्लियर ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम उस वक्त इंडिया में बढ़ गई अब हम देखते हैं 19th सेंचुरी में क्या हुआ 19th सेंचुरी में प्रॉब्लम ये थी ब्रिटिशर्स ने बैन किया उन्होंने बैन किया शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे यही था पर्पस और दूसरी बात वी सी दैट उन्होंने टैक्सेस दे इंट्रोड्यूस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ट्राइबल एरियाज में किसको महाजनस मनीलैंडर्स याद रखना महाजनस मनीलैंडर्स जमींदार्स क्लियर कहां पे इंट्रोड्यूस किया ट्राइबल एरियाज में ठीक है ना किस पर्पस के लिए टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम ट्राइबल पीपल क्लियर प्रॉब्लम अब ये थी प्रॉब्लम ये थी वी सी दैट एंड ऑल्सो द क्रिश्चियन मशीनरीज ऑल्सो क्रिश्चियन मशीनरीज भी साथ साथ आ गए विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स वो आ गए दे स्टार्ट टू कन्वर्ट उन्होंने स्टार्ट किया कन्वर्ट किनको कन्वर्ट करना ट्राइबल्स को इनटू क्रिश्चियनिटी ठीक है ना सो ये भी एक प्रॉब्लम थी एंड वी सी दैट एक इंपॉर्टेंट फिगर इंपॉर्टेंट लीडर उस टाइम इमर्ज होता है कहां पे मुंडा ट्राइब में ठीक है ना उसका नाम था बिरसा मुंडा फेमस लीडर फोक हीरो ऑफ द मुंडा ट्राइब फोक हीरो ऑफ द मुंडा ट्राइब ठीक है ना वी सी दैट ही वाज अ लीडर ही वाज अ फ्रीडम फाइटर इन 1894 बिरसा मुंडा बिरसा इनॉन्सर द ब्रिटिशर्स एंड दे वर एंड डाकूज दे आर आउटसाइडर्स इसने अनाउंस क्या किया अनाउंसर ब्रिटिशर्स एंड वी सी दैट ब्रिटिशर्स मनी लैंडर्स जमींदार्स ब्रिटिशर्स मनी लैंडर्स जमींदार्स एज डिकू डिकूज आउटसाइडर डिकू का माने क्या है डिकूज आर आउटसाइडर्स ए टर्म इट वॉज यूज्ड बाय होम बिरसा मुंडा फॉर ब्रिटिशर्स जमींदार्स महाजनस एंड एज वेल एज तालुकदार्स मनी लैंडर्स एज वेल क्लियर this which is a term used by Birsa Munda clear and we see that this Munda rebellion very important rebellion of the tribal people against Britishers theek hai na and he was arrested jab isne introduce kiya jab isne kaha that these Britishers they are outsiders they are dekus Birsa Munda was arrested isko arrest kiya gaya kab 1895 mein yaad rakhna 1895 mein kya hua Britishers ne kya kiya they arrested unne arrest kisko kiya बिरसा मुंडा को ठीक है ना बिकॉज इसने क्या किया ही मोबिलाइज द ट्राइबल पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश ही मोबिलाइज द ट्राइबल पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश ठीक है ना एंड वी सी दैट आफ्टर टू इयर्स ही वाज रिलीज्ड जब से रिलीज मिली 1897 में ये रिलीज हुआ फाइनली क्या हुआ 1899 में क्या हुआ 1899 में ही स्टार्ट इसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया आर्मड स्ट्रगल स्टार्ट की किनके खिलाफ ब्रिटिशर्स के खिलाफ जमींदार के खिलाफ ठीक है ना जो कहां पे थे ट्राइबल एरियाज में ठीक है ना जो क्या कर रहे थे कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू ठीक है ना एज वेल एज क्रिश्चियन मशीनरीज वहां पे थे जो कन्वर्ट कर रहे थे पूर ट्राइबल्स इनटू क्रिश्चियनिटी सो क्या हुआ इन 1890 ही रिज्यूमड हिज आर्मड स्ट्रगल ही रिज्यूमड हिज आर्मड स्ट्रगल इसने रिज्यूम की अलॉन्ग विद द पीपल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ही सीज अ पुलिस स्टेशन सो कब हुआ मूवमेंट स्टार्ट 1899 में ठीक है ना 1899 ट्राइबल मूवमेंट मुंडा रिबिलियन स्टार्ट होता है ठीक है ना किसने स्टार्ट किया बिरसा ने ठीक बिरसा ने स्टार्ट किया एंड वी सी दैट ही सीज इट उन्होंने क्या किया ही सीज इट सीज किया उन्होंने पुलिस स्टेशन एंड आल्सो डैमेज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी चर्चेस एंड हाउसेस ऑफ जमींदार्स सो बिरसा एडुकेटेड ही एडुकेटेड दैट ट्राइबल पीपल टू शन ट्राइबल पीपल टू
they shun the machineries, they shun the machinery, revert their traditional ways, clear? Because we see that he was later, he was also asking people not to pay taxes. He asked people not to pay taxes. So finally, he was caught in. इसको फिर पकड़ा, ब्रिटिशर्स ने इसको फिर पकड़ा, कब? May 3, 3rd May 1900 में क्या हुआ? बिरसा मुंडा, he was caught by ब्रिटिशर्स, he was caught by ब्रिटिशर्स. कहाँ से caught किया? जमकापुरी, याद रखना, जमकापारी फॉरेस्ट से, जमकापरी फॉरेस्ट, जमकापरी जमकापुरी फॉरेस्ट, चक्रधरपुर, याद रखना, चक्रधरपुर, चक्रधरपुर, यहां से फारे इसको पकड़ा गया. फिर ब्रिटिशर्स ने इसको इंप्रेजन किया, ठीक है ना. एंड फाइनली ऑन June 9, 1900 में क्या हुआ? ही डाइड रांची जेल में. फिर मारा कॉलरा की वजह से. बिरसा मुंडा एट एज उस टाइम उसकी एज थी 25 ईयर्स, याद रखना, 25 ईयर्स, ठीक है ना. सो क्या हुआ, बिरसा इट अबाउट लाइफ स्केच, थोड़ा बिरसा मुंडा के बारे में, बर्थ एंड डेथ के बारे में थोड़ा हमने इसमें ऐड किया. इसमें वी सी दैट बिरसा स्टार्टेड फेथ, इसने एक अपना फेथ भी स्टार्ट किया था. क्या? बिरसायत, याद रखना, बिरसायत, बिरसायत किसने स्टार्ट किया? फेथ, बिरसा मुंडा ने, ठीक है ना. किस पर्पज के लिए बिरसायत इंट्रोड्यूस किया इसने? फेथ स्टार्ट किया इन रेस्पॉन्स टू क्रिश्चियन मशीनरीज, रेस्पॉन्स टू क्रिश्चियन मशीनरीज, बिकॉज वी सी दैट अगेनेस्ट जो क्रिश्चियन मशीनरीज थे वो क्या कर रहे थे? They convert Christian machineries. Their main aim was to, we see that, to spread the message of gospel, Christianity, church, sorry, ठीक है ना, to spread the message of gospel or Christianity. So, in response to Christian machineries, Birsa Munda, he started Birsayat Faith. इसने Birsayat Faith start किया for what purpose? To convert tribals, to revert tribals into This traditional ways, traditional जो उनका faith था, ठीक है ना. And we see that the tribals थे, they consider him बिरसा मुंडा as भगवान, उन्होंने इसको भगवान का दर्जा दिया उस time, because we see that उनको faith था इस पे, किस पे? बिरसा मुंडा पे, ठीक है ना. We see that in order to counter, in उससे फिर क्या हुआ, नवंबर 15 जून को अगर हम देखते तो state, अगर हम आज भी देखेंगे, जब state of Jharkhand, we see that recently क्या हुआ, state of Jharkhand की state foundation date क्या है? Foundation date 15th November 2000 में क्या हुआ, Jharkhand state, it was carved out of Bihar, याद रखना, किससे out हो गई? बिहार से, अलग हिस्सा मिला, एक अलग state बन गई, ठीक है ना, अलग स्टेट बिहार से, कार्ड आउट ऑफ बिहार से स्टेट ऑफ झारखंड की बरह. वी सी दैट दिस सेलिब्रेटेड 15 नवंबर इज ऑल सेलिब्रेटेड एज अ फाउंडेशन डेट. एवरी ईयर हम देखते हैं 15 नवंबर क्या सेलिब्रेट करते हैं झारखंड में, सेलिब्रेटेड एज झारखंड डे, क्योंकि 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ, स्टेट ऑफ फाउंडेशन ऑफ झारखंड स्टेट की फाउंडेशन होती है, कार्ड आउट ऑफ किससे? बिहार से, ठीक है ना, कार्ड आउट ऑफ बिहार. सो वी सी दैट नवंबर 15, दिस डे इज कोइंसाइडेड, याद रखना, दिस डे इज कोइंसाइडेड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा. सो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे अगर हम देखेंगे द फाउंडेशन डेट, बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी कब बाद हुआ था बिरसा मुंडा? 15 नवंबर को, ठीक है ना. सो 15 नवंबर को क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ झारखंड स्टेट की फाउंडेशन होती है, ठीक है ना. सो एवरी ईयर वी सी दैट 15 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ झारखंड स्टेट, दिस डे इज कोइंसाइडेड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है ना. बिरसा मुंडा कोइंसाइडेड, अगर हम देखेंगे बिरसा मुंडा, दिस डे इज कोइंसाइडेड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है ना. अगर हम बिरसायत की बात करेंगे, बिरसायत जो इसने एक मोमेंट स्टार्ट किया था, एक फेज स्टार्ट किया था बिरसा मुंडा ने, मैन एम वाज टू रिफॉर्म, ये चाहता था रिफॉर्म ट्राइबल सोसाइटी को, रिफॉर्म करना, क्योंकि ये अर्जेंट द ट्राइबल दैट
गो आर बिलीफ्स आर विचक्राफ्ट जो ज्यादातर ट्राइबल्स करते थे एंड आल्सो इंस्टेड सिट्रस ऑन द इंस्टेड उन्होंने कहा कि सिट्रस आप करें इंपॉर्टेंस प्रेयर स्टे अवे फ्रॉम द अल्कोहल जो भी अल्कोहल पीते थे इनके खिलाफ था ये ठीक है ना एंड ऑब्जर्विंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑल्सो वी सी हैविंग फेथ इन गॉड हैविंग फेथ इन गॉड ब्रिस्टाइट का यही मकसद था यही था ठीक है ना. सो फाइनली क्या हुआ जब ये मूवमेंट हुआ सो ब्रिटिशर्स दे सप्रेस्ड उन्होंने सप्रेस किया ट्राइबल मूवमेंट को ठीक है ना. बट इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे गुड पॉजिटिव रिजल्ट क्या आया विद आउटकम ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मुंडा रेबेलियन वाज दैट ब्रिटिशर्स ने क्या किया दे पास सकते उन्होंने पास क्या किया द आउटकम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मुंडा रिबेलियन सिग्निफिकेंस ऑफ द मुंडा रिबेलियन इज वी सी द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट छोटा नागपुर याद रखना छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन 1908 ब्रिटिशर्स ने फाइनली क्या किया उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया. इट वॉज आउटकम किसका आउटकम था मुंडा रिबेलियन का ठीक है ना. सिग्निफिकेंट इवेंट विच रेस्ट्रिक्टेड इसे क्या हुआ विच रेस्ट्रिक्टेड दिस एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द पासिंग ऑफ लैंड किनका लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल ठीक है ना नॉन ट्राइबल. सो फाइनली क्या हुआ आउटकम क्या था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इट वॉज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बिरसा मुंडा ब्रिटिशर्स फाइनली उन्होंने क्या दे ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड एंड फाइनली दे इंट्रोड्यूस्ड उन्होंने फिर क्या एक एक्ट यहां पे पास किया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन 1908 एंड वी सी दैट द मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट वॉज दैट which restricted the passing of this land from tribal people to non-tribal. इससे आप क्या ट्राइबल पीपल का जो लैंड है इसको हम ट्रांसफर पास नहीं कर सकते नॉन ट्राइबल पीपल में ठीक है ना. सो नॉन ट्राइबल कौन थे वहां पे जमींदार याद रखना जमींदार तालुकदार मनी लैंडर्स याद रखना दीज वर द एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स क्या थे एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स के जो एजेंट्स थे जमींदार थे तालुकदार मनी लैंडर्स ठीक है ना दे वर द एजेंट्स इन्हीं के खिलाफ ब्रिटिशर्स और इनके खिलाफ था रिवोल्ट मुंडा रिबेलियन एंड वी सी दैट अ टर्म व्हिच वाज यूज्ड बाय बिरसा दैट डिकूज इनके लिए टर्म भी यूज की गई डिकूज मीन्स द आउटसाइडर्स ठीक है ना. सो बिरसा क्या चाहता था टू सेव हिज पीपल एज वेल हिज कंट्री and free the country from the control of Britishers, as well as the control of zamindars, talukdars and money lenders. ठीक है ना. So we see that very important moment. Birsa, very important leader, great leader, tribal leader Birsa Munda, and he played an important role in tribal movement against Britishers. ठीक है ना. So this was all about Munda rebellion. So my dear students, video को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें.